अगले कॉलर हमारे साथ एपी है लखनऊ से, सवाल पूछे सर। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार, मेरा छोटा भाई है करीब 54-55 साल का और वो साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे हैं और शुगर पेशेंट हैं, तो क्या वैक्सीन लगवाना ठीक रहेगा? डॉक्टर अनूप एक और सवाल वैसा ही आपके लिए। बिल्कुल, देखिए साइकेट्रिक मेडिसिन खा रहे हैं और शुगर के पेशेंट शायद बताया उन्होंने, देखिए ब्लड शुगर पेशेंट्स अगेन बहुत जरूरी है कि इनको वैक्सीन लगना चाहिए, क्योंकि शुगर के पेशेंट्स का इन्फेक्शन होने के रिस्क ज़्यादा होता है। और ये देखा गया है कि जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कोविड के दौरान स्टेरॉइड्स देते हैं तो शुगर सडनली बहुत शूट अप कर जाता है, तो इसलिए इनके लिए बहुत जरूरी है कि इनको वैक्सीन लगवाया जाए। एक बात हमको बताना चाहते हैं कि जिस दिन ये वैक्सीन लगवाने जाएँ शुगर की दवाई खा के जाएँ और खाली पेट भूल के भी ना जाएँ। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो शुगर की दवाई खाते हैं लेकिन खाली पेट वैक्सीनेशन पे पहुंच जाते हैं साइट पर, तो अपनी दवाई लेके जाएँ, प्रॉपर खाना खा के जाएँ और पानी का जो है सेवन करते रहें। इन सब बातों को ध्यान रख के जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए, आपको वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर अनिल, जब तक अगले कॉलर जुड़ते हैं, एक सवाल मेरा आपसे है कि इस बीच में देखा गया है कई सारे कोविड पेशेंट ऐसे हैं जिनका बुखार जो है वो काफ़ी लंबा जा रहा है, जो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए अगर आपका बुखार जो है वो 14 दिनों में ठीक नहीं हो रहा है या लंबा खिंच रहा है? देखिए हर पेशेंट का इम्यून सिस्टम अलग तरह से बिहेव करता है, इसलिए किसी भी दो पेशेंट को हम एक्जैक्टली सेम नहीं मान सकते। लेकिन वायरस की हम स्टेज देखें तो पहली स्टेज होती है बॉडी में एंटर करता है, मल्टीप्लाई करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम जैसा हमने बात किया, बुखार, बदन दर्द, सूंघने की शक्ति, टेस्ट का अफेक्ट होना, पेट, सिरदर्द, ये इफेक्ट है। उसके बाद वो सेकेंड स्टेज आती है निमोनिया, इसको हम दो में बांटते हैं 2A 2B, हल्का निमोनिया, खांसी और खास बात ड्राई कफ होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। तीसरी के अंदर सीवो निमोनिया, ARDS और उसके बाद मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें हार्ट अटैक, एरिथमिया यानी हार्ट का सडनली बंद हो जाना, खून के थक्के बन जाना, एम्बोलिज्म है, ब्रेन के अंदर क्लॉट जा सकता है, लिवर लंग फेलियर हो सकता है। हर पेशेंट की उसके हिसाब से अलग है, लेकिन सबसे बढ़िया इलाज बुखार के लिए पैरासिटामोल है और पानी की कमी ना आने दें जी। और स्टीरॉयड जो ले रहे हैं उनके जो है अर्ली स्टेज में स्टीरॉयड ना शुरू करें बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि उससे शुगर बढ़ सकती है, उससे सेकेंडरी इन्फेक्शन, क्योंकि स्टीरॉयड हमारी इम्यूनिटी कम करते हैं, तो अर्ली स्टेज में लिया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगस, खासतौर पे आपने सुना होगा आजकल म्यूकोरमाइकोसिस जिसे ब्लैक फंगस कहते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। तो अपने डॉक्टर की सलाह से इलाज लें, अपने आप कुछ भी इलाज ना लें। ठीक है, अगले कॉलर जो है वो लोकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। लोकेश जी सवाल पूछिए अपना। डॉक्टर नमस्कार, डॉक्टर मैं लोकेश बोल रहा हूँ दिल्ली से, मुझे एक हफ्ता हो गया है, सेकंड वैक्सीन भी लगवा ली है और मुझे शाम के टाइम पे गले में थोड़ी सी खराश और हल्की सी खांसी होती है और जब सीधा लेटता हूँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसके बाद ठीक हो जाती है, 2-3 घंटे रहती है। डॉक्टर अनूप देखिए जैसे उन्होंने बताया सेकंड डोज लग चुकी है, 7 डेज के बाद इनको हल्के सिम्टम स्टार्ट हुए हैं। अब जैसे हम अभी बोलते आए हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स भी हैं आपको अपने को तुरंत आइसोलेट कर लेना चाहिए अपने दूसरे फैमिली मेम्बर्स के, और अपने सिम्टम्स को आपको ऑब्जर्व करना है, टेम्परेचर चेक करते रहिए, ऑक्सीमीटर लाके आप चेक करते रहिए और एक अपना टेस्ट जरूर करा लीजिए, क्योंकि इस समय ये बहुत जरूरी है कि माइल्ड सिम्टम्स भी कई पेशेंट्स को आ रहे हैं, जस्ट गले में खराश है, नेजल सिम्टम्स है, फीवर थोड़ा लेट आता है और वो कोविड होने के अनलेस अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज हम मान के चलते हैं कोविड हो सकता है, तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, कोविड का टेस्ट करा लीजिए और अपना पल्स सेचुरेशन और टेम्परेचर चेक करते रहिए। अगर कोविड उसमें नेगेटिव आता है बहुत अच्छी बात है, तो कुछ दिनों के बाद आपका ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा, बट अगर कोविड पॉजिटिव आता है तो फिजिशियन की सलाह से आप अपना ट्रीटमेंट चालू कर लें जी। हमारे साथ सनी जुड़ रहे हैं, सनी अपना सवाल पूछिए आप। सर मेरी मदर को शॉक हो रखा सर, सर उनको कोविड की वैक्सीन लगवाना सही रहेगा सर, शुगर भी उनको जी। डॉक्टर अनिल जी क्वेश्चन नहीं सुन पाया मैं, कोविड क्या बोल रहे हैं इनको, क्या मदर को? एक बार फिर मदर को सर वन साइड शॉक है सर, पैरालाइज हो गया हुआ है, पैरालाइज हुआ है। हाँ तो पैरालाइज में पेशेंट को लगा सकते हैं, वैक्सीन लगाना मना नहीं है, लेकिन अगर कोई अक्यूट कंडीशन यानी अभी पैरालिसिस हुआ है तो किसी भी कोई अगर अक्यूट बीमारी हुई है तो 1 महीने तक वेट करना है, क्योंकि वो बीमारी सेटल होने से पहले किसी भी तरह का एंटीजन बॉडी में जाना ठीक नहीं है। तो अगर अभी पैरालिसिस है तो 1 महीना वेट करें, अगर 1 महीने से पुराना पैरालिसिस बीमारी है तो आप वैक्सीन ले सकते हैं। दूसरी एक बात मैं ध्यान देना चाहूंगा यहाँ पे कि निगेटिव अगर RT-PCR आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं है, क्योंकि 100 कोविड के पेशेंट्स में 70% लोगों को RT-PCR में पता लगता है, 30% लोगों में कोविड होते हुए भी RT-PCR निगेटिव हो सकता है, इसलिए जरा भी अगर लक्षण लगे तो ये मान के चलिए कि कोविड है, जब तक दूसरी चीज प्रूव नहीं हो जाए 14 दिन तक अपने आप को अलग रखें जी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।